अकाली दल उस वे बथेरे सन, फैडरेशन भी वाधू सन तो अकाली दल बड़े सन, लेकिन सारे ने आपो अपना जगदेव सिंह तलवंडी का अकाली दल से, सुरजीत सिंह बरनाले का अकाली दल से, उन्होंने सारे ने अपने अकाली दल अकाल तख्त के उपर भंग कर दिए, सारे ने प्रथा छड़ दित्तियां, अकाल तख्त चलते आ गए, एकदम सारे आ गए जां कोई रहे ना, ना सारे आ गए, लेकिन जे कोई नहीं आया तो अकाली दल बादल। एक बयान भी आया बादल साहब, वड्डे बादल साहब होना दा, जथेदार साहब होने का भी कुछ ऐलाननामा सी, हुक्म मन्नांगे मनावांगे, वो जरूर माड़ा जिहा दा। देखो जितों तक कि अकाल तख्त साहब का हुक्म आदेश संदेश की गल है, जदों तक पंच प्रधानी मर्यादा के तहत हुंदा है, प्रवान योग है, उस हुक्म पर पहरा देना हर सिख लई जरूरी है। लेकिन सवाल उस वेले हुंदा है कि जदों ये हुक्मनामे भी सियासी प्रभाव के होंदे ने, अज तक खास करके प्रकाश सिंह बादल दे अपने समय तो लैके ये दोष लग रहे हैं कि साडियां संस्थावां श्रोमणी कमेटी ते अकाल तख्त का सियासीकरण हो चुका। जिहड़ी एकता उस वेले ऐलान हुई 1 मई 1994 नूं, जो अमृतसर ऐलाननामा लागू होया, अकाल तख्त तो सुनाया गया, जो उत्थों एकता का सुनेहा दिता गया, जिहड़ा दल बनिया अकाल तख्त के हुक्म के आदेश अनुसार, उहदा नां सी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर। उस अमृतसर ऐलाननामे के उत्ते दस्तखत करन वाले लोकां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ने, भाई मनजीत सिंह भी ने, अकाली दल हुंदा सीगा बब्बर अकाली दल, उहदे जस कर्नल जसमेर सिंह वाला अज भी चंडीगढ़ दे विच कायम कायम बैठे, साहिब दी रहनुमाई हेठ बनिया होया वो अकाली दल अमृतसर अज कित्थे भी, अज सिर्फ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर नाम की एक संस्था अकाली दल है, जिसके प्रधान सरदार सिंह सलमान जो 2015 की बेअदबी वापर हो गई, उस वेले डेरा सरसा के मुखी राम रहीम माफ़ी दी जाती अकाल तख्त, संगत विरोध करती है वो माफ़ी रद्द हो जाती, उस माफ़ी देन वाले 5 सिंह साहबान दे विच एक सिंह साहबान ने ज्ञानी गुरमुख सिंह जिहड़े तख्त दमदमा साहब के जथेदार सन, वो बाहर आ के पब्लिकली बयान दे दिंदे ने कि यह हुक्म जिहड़ा आ बिन मंगी माफ़ी का, ये तो सानू अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, ज्ञानी मल सिंह तख्त केसगढ़ साहब दे, ते ज्ञानी गुरमुख सिंह राम नूं प्रकाश सिंह बादल की सरकारी रहायश से चंडीगढ़ बुला के दिता गया। असं हों कि जो ज्ञानी गुरमुख सिंह इन्ना वड्डा सच बोल देंगे ने, तो ज्ञानी गुरमुख सिंह होरां कोलों अकाल तख्त की हैड ग्रंथी की रुतबा भी खो लिया जाता है, उन्हां कोलों तख्त की जथेदारी खोली जाती है। जगमीत बारे भी अज ज्ञानी हरप्रीत सिंह बोले, वो नौजवान जिसनों भारतीय तंत्र ने जी असी कह लिए अरैसट किया होया, खालिस्तान के नाम के उपर भी खालिस्तान का बहुत कुछ उसदे कोल समगरी मिली है, सो अज इत्थे जगमीत का नाम प्रचारिया जाना लिया जाना, क्योंकि सिखां दे मुद्दे थोड़े जे हट के भी हुंदे ने, क्योंकि इहो जिहियां घटनावां सेम ही जिहड़ियां ने हिंदू धर्म दे विचों भी सामने आईयां, जिहदे बारे अज खास प्रचार किया गया। जदों दल पहला इहो जिहे पंथक मुद्दियां तों किनारा करदा रहा, अज अचनचेत याद आउंदा, अज जगमीत सिंह याद आया, भाई राजूआणे दी रिहाई दा तुहानूं याद है, पिछले कुछ दिन पहलां ही श्रोमणी कमेटी प्रधान धम्म साहब ने कहा कि असी भाई राजूआणे की रिहाई दी प्रधानमंत्री को समा लै रहे, वो समा कितने, वो समा कितों क्यों नहीं मिल सकिया। श्रोमणी अकाली दल गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल अमृतसर दे विच पंथक इकट्ठ सद्दी है, और पंथक इकट्ठ दे विच श्रोमणी अकाली दल दे नुमाइंदे उसदे वर्कर शामिल हुंदे ने, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा स्टाफ जिहड़ा ओह भी शामिल हुंदा है, तां बहुत सारे मुद्दियां दे उपर चर्चावां हुंदियां ने, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
वो आज इकट्ठ सद्दी है। बड़े गंभीर मसले सीगे जिन्हां दे उपर डिस्कशनज हुंदियां ने, ऐलान किए जाते हैं इदा करना उदा करना, सरकार की कर रही है, बहुत कुछ अज बोलिया जाता है। तुसी अज इस पूरे वर्तारे नू सब तो पहला किवें देखदे हो, क्योंकि एक लंबा समा बीत गया सीगा बेदबियां तो शुरू हो के जे असीं गल करदे आ, तां कदी अजिहा विचार इस पुत्तर दे मन विच कदी नहीं आया कि मैनू इन्हां मसलियां दे उपर गंभीरता दे नाल गलबात करनी चाहीदी आ, अपने सिखां नू कलावे विच लैके, पंथ नू कलावे विच लैके दसना चाहीदा वी असीं की करना आ। सो अज किवें लग्गिया? देखो पहली गल तो है कि इस पुत्तर नू इस वेले जो देखा जा रहा, जो यदा सरूप असी देख रहे हैं, वो एक सियासी सरूप है। यदा सियासी सरूप साढ़े सामने है। पंथक महानदरा साल 2000 दे खत्म हो जाता जो जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा जेडे श्रोमणी कमेटी के प्रधान से इस संसार तो अकाल चलाना कर लेंगे। कदे इस दल का जिन्हों श्रोमणी अकाली दल असी मनते हैं, जिहदा जन्म अकाल तख्त साहिब के सन्मुख 1920 हुंदा, 100 साल की संस्था से, उदा एक पंथक स्वरूप से। पंथक सिद्धांत वख ने, सियासी सिद्धांत बिल्कुल अलग ने। जो दावे अज किए गए ने ज सामने रखे गए ने, मुद्दा रखा गया कि मीरी पीरी का सिद्धांत। शायद इन्होंने इस दल ने मीरी पीरी के सिद्धांत को सिर्फ धर्म चो सत्ता लभना समझ लिया, धार्मिक संस्थावां चो सत्ता लभनी समझ लिया, जिहड़ा कि कदाचित सही नहीं है, जायज ही नहीं है। क्योंकि जब तक तुहाडा जन्म हुंदा है तुहाडी जिम्मेवारी इहो सी धर्म का प्रचार ते प्रसार गुरद्वारां दे पारदर्शी प्रबंध लई श्रोमणी कमेटी की एक सहायता करन वाली संस्था वजो होना, एक पहरेदार वजो बनना। पहरेदार कदे भी किसी संस्था का मालिक नहीं मनिया जाता, पहरेदार के हुक्म नूं मनना संस्था के लिए जरूरी नहीं हुंदा। पहरेदार का काम गेट से खलो के ते जां चुगिरदे च खलो के उहदी राखी करना है। अज एक बयान भी आया बादल साहब, वड्डे बादल साहब होना दा, जथेदार साहब होना दा भी कुछ ऐलाननामा सी, हुक्म मन्नांगे मनावांगे, ओ जरूर माड़ा जिहा दस। देखो जिथों तक तो अकाल तख्त साहब का हुक्म जी आदेश संदेश की गल है, जदों तक वो पंच प्रधानी मर्यादा के तहत हुंदा है, प्रवान योग है, उस हुक्म ते पहरा देना हर सिख लई जरूरी है। लेकिन सवाल उस वेले हुंदा है कि जदों ये हुक्मनामे भी सियासी प्रभाव हेठ हुंदे ने, अज तक खास करके प्रकाश सिंह बादल दे अपने समय तो लैके ये दोष लग रहे ने कि साडियां संस्थावां श्रोमणी कमेटी ते अकाल तख्त का सियासीकरण हो चुका है। दोष लाने वाले कौन ने, वो भी सारयां नूं पता, वो भी सिख ने। लेकिन जो संकेत जांदे ने समय समय, मैं गल करांगा जदों प्रकाश सिंह बादल अज मंच तो ये कहिंदे ने कि अकाल तख्त साहिब वालों जो हुक्म होएगा श्रोमणी अकाली दल उस हुक्म नूं मन्नेगा, पहरा देगा। सवाल बड़ा छोटा जिहा कि 1994 दे अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ने प्रोफेसर मनजीत सिंह, अकाली दल के कुछ विंग जड़े ने, जड़ा एक विंग सीगा अकाली दल भाई मनजीत सिंह, जिहड़े भाई मनजीत सिंह फैडरेशन दे भी रहे ने, भाई शहीद भाई अमरीक सिंह दे भराता ने, संत ज्ञानी करतार सिंह खालसा पिंडरांवाले दे पुत्तर ने, और अज कल उही भाई मनजीत सिंह इस अकाली दल बादल दे सीनियर मीत प्रधान भी ने। इन्हां ने उस वेले काफ़ी संस्थावां दे नाल रल के प्रोफेसर मनजीत सिंह नूं सुनेहा दिता, जां कह लो बेनती की कि अकाली दलां दे विच एकता होनी चाहीदी है। लेकिन वो एकता दा ऐलान जथेदार साहब ने किया कि सारे अकाली दल, क्योंकि उस वेले 10-12 अकाली दल सन, कि अपनियां अकाली दल भंग करो, भंग करके अकाल तख्त साहब दे सानूं पेश होवो, और सारे अकाली दल आए, गुरचरण सिंह टौड़ा प्रधान श्रोमणी कमेटी भावें अकाली दल नहीं सन, अकाली दल सन उस वेले प्रोफेसर मनजीत सिंह दा अकाली दल सी, उस वेले अकाली दल पंथक सी, उस वेले अकाली दल अद्धी दर्जन तो वध सन। अज भी अकाली दल टकसाली सीगा, संयुक्त अकाली दल जी, मैं उही तुहानूं दस्सदा ना, अकाली दल उस वेले बथेरे सन,
फैडरेशन भी वाधू सन तो अकाली दल भी बड़े सन, लेकिन सारिया ने आपो अपना जगदेव सिंह तलवंडी का अकाली दल से, सुरजीत सिंह बरनाले का अकाली दल से, उन्होंने सारिया ने अपने अकाली दल अकाल तख्त के हुक्म से भंग कर दिते, सारिया ने प्रधान छड़ दित्तियां, अकाल तख्त शब्द आ गए, एकदम सारे आ गए जां कोई रह गया? ना ना सारे आ गए, लेकिन जे कोई नहीं आया तो अकाली दल बादल नहीं आया। अच्छा जी, अकाली दल बादल ने की किया, प्रकाश सिंह बादल होर ने एक प्रजीडियम बना दी, उस प्रजीडियम का कन्वीनर सन सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा कि तुसी अपना पक्ष रखो जाके, जेड़ा उन्हें पक्ष रखिया वो पक्ष इन्ना शर्मनाक सी कि अकाल तख्त के उस कार्यकारी जिहड़ा सकत्तर सी उहदे दरवाजे नूं लत्तां मारियां गईआं कि तुसी कौन हुंदे जे सानूं सुनाउण वाले, जिहड़ा जिहड़ी एकता उस वेले ऐलान होई 1 मई 1994 नूं जो अमृतसर ऐलाननामा लागू होया, अकाल तख्त तो सुनाया गया, जो उत्थों एकता का सुनेहा दिता गया, जिहड़ा दल बनिया अकाल तख्त दे हुक्म दे आदेश अनुसार, उहदा नां सी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जी। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, उस अका अमृतसर ऐलाननामे दे उत्ते दस्तखत करन वाले लोकां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ने, भाई मनजीत सिंह भी ने, एक उधरों अकाली दल हुंदा सीगा बब्बर अकाली दल, उहदे जस कर्नल जसमेर सिंह बाला अज भी चंडीगढ़ दे विच कायम कायम बैठे। साहिब दी रहनुमाई हेठ बनिया होया ओ अकाली दल अमृतसर अज किथे? किते भी नहीं, अज सिर्फ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर नां दी एक संस्था अकाली दल है जिस ते प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह मान ने, ये उसे लड़ी तहत ही है, बाकी सब ने आपो अपने अकाली दल कायम रखे हुए ने। अज जदों ये गल कही जाती है तो फिर उस वे अकाल तख्त का हुक्मनामा किन मनिया किन सुनाया? दूसरी गल जो 2015 की बेअदबी वापर रही है, उस वे डेरा सरसा के मुखी राम रहीम माफ़ी दी जाती है अकाल तख्त वालों, संगत विरोध करती है वो माफ़ी रद्द हो जाती है, लेकिन बाद दे विच उस माफ़ी देन वाले 5 सिंह साहबान दे विच एक सिंह साहबान ने ज्ञानी गुरमुख सिंह जिहड़े तख्त दमदमा साहब के जथेदार सन, वो बाहर आके पब्लिकली बयान दे दिंदे ने कि यह हुक्म जिहड़ा आ बिन मंगी माफ़ी का, यह तो सानू अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, ज्ञानी मल सिंह तख्त केसगढ़ साहब के, ते ज्ञानी गुरमुख सिंह होरां नूं प्रकाश सिंह बादल की सरकारी रहायश से चंडीगढ़ बुला के दिता गया सी, और जदों ये सानू हुक्म दिता गया उस वेले बकायदा सुखबीर सिंह बादल उत्थे सन, प्रकाश सिंह बादल खुल मुख्यमंत्री पंजाब उत्थे सन, ब्रह्मपुरा साहब खुद कहिंदे रहे ने कि अकाल तख्त साहिब दे जथेदार होणा नूं घर बुलाया जांदा रहा। बिल्कुल, देखो फिर की हुंदा कि जदों ज्ञानी गुरमुख सिंह इन्ना वड्डा सच बोल दिंदे ने ते ज्ञानी गुरमुख सिंह होरां कोलों अकाल तख्त की हैड ग्रंथी की रुतबा भी खोह लिया जांदा ते उन्हां कोलों तख्त की जथेदारी भी खोह ली जांदी है और उन्हां नूं तब्दील कर दिता जाता हरियाणा, वो हरियाणा गुरुद्वारा जिहड़ा तमतान साहब है उन श्रोमणी कमेटी कागजां च काले पाणी मंदी है। फिर एक जदों जांच शुरू हो जाती जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की, फिर अकाली दल के अंदर खदशा पैदा हो जाता कि कित ना हो ज्ञानी गुरमुख सिंह धिर बन जाए, क्योंकि इन्हों का भ्राता जिहड़ा ज्ञानी गुरमुख सिंह का सरदार हिम्मत सिंह वो बकायदा जस्टिस रणजीत सिंह कमिश्नर को बयान दर्ज करवा के आता। सो ये सारा कुछ जिहड़ा आ साडे सामने आ। अज फिर बेअदबी की गल हुई, मुद्दा फिर उत्थों उठाया श्री दरबार साहब दे विच जो हालात होए ने सब ने देखिया है, रह रह सब दे समय दे दौरान एक बेअदबी की घटना नूं अंजाम देने दी उस बंदे वालों दोखी वालों कोशिश की गई। अज जथेदार साहब भी उन्होंने भी यही कहा है कि ये जिहड़ा समा चुनिया गया इहदे च उह चाहुंदे सीगे कि किते ना किते मर्यादा जिहड़ी उह भंग होवे, पाठ हो रहा सीगा, और जे भंग हुंदी आ तां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपर एलीगेशन लगन, इसनों बर्बाद करन, इसनों खत्म कर दियां साजिशां सीगियां, और श्रोमणी अकाली दल के उपर भी यही साजिश जिहड़ी उन्होंने कहा भी ये चल रही सी कि तुसीं इहनूं किद्दां लैंदे हो अज दे इस बयान? मैं रात कल बीते शाम भी एक
सीनियर अकाली लीडर ना गल हो रही थी और रोस भी साढ़े प्रति यो कि तुम जो चैनल वाले हो तुम अकाली दल को श्रोमणी कमेटी को बड़ा भंड दे। मैं उस वे भी यही जवाब दिता सी कि कोई संस्था उदों तक खत्म नहीं हो सकती जदों तक वो सिद्धांत उसका संविधान खत्म ना हो। जदों तुसी खुद अपनी संस्था का संविधान तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो तो तुसी दोषी हो, गुनाहगार कोई बाहर नहीं है। जदों तुसी अपनी बनाई हुई मर्यादा नू आप भंग कर रहे हो तो फिर गुनाहगार बाज कोई नहीं है। तो जिथों तक जथेदार साहब का यह कहना कि ये मर्यादा भंग करके सानू तोड़न की कोशिश सी तो माफ करना, मर्यादा तो 2015 च भंग हुई। 2015 च जदों बैबल कलां गोलीकांड वापरदा, बरगाड़ी बेदबी कांड वापरदा, उस वेले की नहीं होया कि उस वेले अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, तख्त केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी मल सिंह, जां जिहड़े भी उस वेले पंथक संस्थावां सन कि उह सारियां संस्थावां ने उस बेदबी का विरोध किया। जिहड़े भी बादल दल दे नाल नेड़ता रखते सन सारिया ने खामोशी रखी। जे वह उस वेले सारा अज कहा जा रहा कि वह साजिश सी ते 2015 तो लैके 2017 तक बादल अकाली दल सत्ता च रहा। पहले दिन सीगा जिवें सानू पहला गल करनी चाहिए सी कि पहले दिन बेदबियां दे मामले विच पंथक इकट्ठ सद्या गया जी। उही गल है कि तुसीं उदों इह कह रहे सी कि जिहड़े धरने दे रहे ने, जिद्दां सुखबीर बादल ने कहा कि इह लोकां ने धरने इस करके नहीं दित्ते कि असीं दोषियां नूं सजावां दिवाउणियां ने, धरने इस करके सी कि अकाली दल नूं कमजोर करना। ते अज फिर तुसीं बड़ा स्वाब साफ है कि तुसीं पंथक रोस इकट्ठ अज कर रहे हो। इस तो पहला दरबार साहब दी जिहड़ी बेअदबी दा घटना आ उहदे लई पश्चाताप श्रोमणी कमेटी कर चुकी आ। उस दिन कल्ले सुखबीर बादल आप आए सन, लेकिन जदों 13 सितंबर 2021 नूं तख्त केसगढ़ साहब एक घटना वापरदी है उहदे प्रति तुसीं चुप क्यों रहे? तुहाडी इन्नी लंबी खामोशी जिहड़ी आ कि सारा सितंबर महीना तुसीं लंघाता, अक्तूबर, नवंबर, दसंबर साढ़े 3 महीने तुहाडी चुप की दसदी है? फिर कि तुसीं उहदे गुनाहगार नहीं हो। पहरेदार दा काम सीगा कि पहरा दिंदे इन्हां दे कोले पावर हैगी है, इह किते वी पहुंच कर सकदे, अप्रोच कर सकदे सीगे, बोल सकदे सी उस दे खिलाफ, परंतु बयान भी कोई नहीं आउंदा। श्री अकाल तख्त साहिब सॉरी केसगढ़ साहिब तख्त दे उपर जाके भी कुछ भी बयान नहीं दिता जांदा। सो उहदे उहदे ते इस इत्थे जिहड़ी घटना होई है उहनां दोनां दे विच अंतर की सीगा? देखो अंतर ते बड़ा साफ है कि उस वेले दिल्ली पंजाब विधानसभा की चोण बहुत दूर सी, हुण पंजाब विधानसभा की चोण जिहड़ी सिर ते आ, खदशा सिर्फ इहो ही आ। अज तुहाडे सामने कहा गया कि मनजिंदर सिंह सरसा असीं तेरे लई की नहीं कीता, तू सानू छड के उधर चले गया, रोस किया गया उहदे प्रति भी रोस किया गया। लेकिन सवाल तो यह पुछो कि मनजिंदर सिंह सरसा नूं तुसीं किहड़ियां शर्तां तहत लिआंदा सी? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 FIR ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜੀ, ਇਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਨ,
उन्होंने को काफ़ी शिकायत आई हैं कि जे ये लोग कितने कोई गलती ना करके भुल कर गए तो फिर सारा दोष साढ़े सिर आ जाना। अकाल तख्त ने महसूस किया कि यह संस्था जी इस प्रति संसीयर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जोड़ा एजेंडा है वो सिख कौम की अडरी न्यारी तो वक्री होंद को स्वीकार नहीं करता। अज भी जब कितने मोहन भागवत का बयान आता कि सारा मुल्क हिंदू है, सारे मुल्क के लोग बछिंदे हिंदू ने, जबकि यो ही अकाली दल यो प्रकाश सिंह बादल जदों 27 फरवरी 1984 एक मोर्चा लगता है जिसका नाम से कि भारतीय संविधान की धारा 25B ये लफज कि जैनी तो बोधियों वाग सिख भी हिंदू धर्म का हिस्सा ने वो कढ़ी जाए उन शोध किया जाए। उस वेले ये पता नहीं सी लगता कि एक पास तो असी अडरी न्यारी की होंस की गल कर रहे हैं तो दूसरे पास असी उस पार्टी नाल भाईवाली कर रहे हैं जिहड़ी RSS की एक सियासी जमात है। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक सियासी जमात है, उसका सियासी विंग है। लेकिन इसे भाजपा के नाल अकाली दल इस अकाली दल की जिहदी अगवाई प्रकाश सिंह बादल अज कर रहे हैं 1970 तो सियासी सांझ है, सत्ता की सांझ है। ये पहले कदे जनसंघ के नाँ थले होंदी सी, फिर जनसंघ ने अपना नाँ बदल के भारतीय जनता पार्टी कर लिया। कितने कितने लगता नहीं कि अज जो बयान दिता गया है कि RSS गुरधामा के उपर जरा अपना सीधे तौर के उपर दखल अंदाजी कर रही है ज कब्जे कर रही है, तो जो सरदार प्रकाश सिंह बादल हुणी अलायंस करते हैं तो उदों इन चीज़ों वाचिया क्यों नहीं गया कि जिवें तुसीं पहला गल कर भी चुके। देखो पहली गल तो है उन्होंने अज गल की हजूर साहब के RSS ने अपना सारा कब्जा कर लिया, लेकिन सानू याद है कि सरदार तारा सिंह उत्थों के एक MLA सन, वो बकायदा टिक्का लाते सन, तिलकधारी सन, बड़ा रौला पिया भी ये सिख सिद्धांतों के खिलाफ आ बंदा, गल च कई माला पाई फिर इस सिद्धांतक तौर पर नहीं है, इनू प्रधान नहीं बनना चाहिए। लेकिन उस तारा सिंह श्रोमणी कमेटी होर ने इतने सन्मान भी देता, मानता भी दे दी। ज्ञानी इकबाल सिंह की अज गल की गई कि तखत का एक जथेदार जिहड़ा साडे सिद्धांतों की विरोधता करता सी उहनू पटना हाई कोर्ट ने इंसाफ दे दिता है। सवाल सिर्फ इन्ना है कि ज्ञानी इकबाल सिंह 2015 या 16 दे विच शायद विश्व हिंदू परिषद की एक मंच के उत्ते बोलते ने, बड़ा रौला पिया कि तख्त साहब का जथेदार होवे ते विश्व हिंदू परिषद के समागम जाए। लेकिन उस ज्ञानी इकबाल सिंह के उपर परिवार के नाल झगड़े दे, पंथक जथेबंदियों के नाल झगड़े दे, एक ऐसा मौका भी आया कि ज्ञानी इकबाल सिंह होरां ने जिहड़े जथेदार श्रोमणी कमेटी ने थापे सी सारियां नूं पंथ चों छेक दिता। महिंदर सिंह रमाणा उत्थे दे प्रधान सी, इन्हां नूं पंथ चों छेक दिता। असी उसे ज्ञानी इकबाल सिंह नूं पंथक मुद्दियां दे उत्ते पंज सिंह साहिबान दे विच शामिल करदे रहे हां, सानू उस वेले कोई याद नहीं आया। लेकिन अज सानू क्यों महसूस हो रहा जदों ज्ञानी प्रताप सिंह होरां नूं उत्थों कढ दिता जांदा जबरदस्ती, उस वेले किसी नूं याद नहीं आया कि ज्ञानी प्रताप सिंह ठीक ने ते ज्ञानी इकबाल सिंह गलत है। लेकिन अज महसूस क्यों हो रहा, क्योंकि ज्ञानी इकबाल सिंह वो शख्स ने जिन्हां ने जिहड़ी गल ज्ञानी गुरमुख सिंह होरां ने कही सी हुक्मनामे बारे, डेरा सरसे नूं माफ़ी बारे, उहनूं तस्दीक कित्थे जाके कीता जस्टिस रणजीत सिंह कमिश्नर कोल, ज्ञानी इकबाल सिंह। अज वो सानू खतरा लग रहा, जे असी वाकया ही सिद्धांतक तौर पर चल रहे सां ते फिर सिद्धांतक तौर पर चलना। एक गल मैं भी दस दिनी हां कि जहांगीर दी एग्जाम्पल भी जथेदार साहब उन्होंने दिती कि जहांगीर दे नाल भी सिखां दा समझौता होया सीगा, हालांकि बाद दे विच उसनूं तोड़ दिता गया, तो फिर उसकी दखल अंदाजी गुरद्वारा साहिबान दे विचों जां सिखां दे नालों जिहड़ी दखल अंदाजी करदा सीगा उहनूं खत्म कर दिता गया। एग्जाम्पल भी अज खास तौर पर दिती गई। तो नाल दी नाल ही जगमीत बारे भी अज ज्ञानी हरप्रीत सिंह बोली, वह नौजवान जिसनों भारतीय तंत्र ने जी असी कह लिए तां अरैसट किया होया खालिस्तान के नाम के उपर भी खालिस्तान का बहुत कुछ उहदे कोल समगरी मिली है। सो अज इत्थे जगमीत का नाम प्रचारिया जाना लिया जाना क्योंकि सिखां दे मुद्दे थोड़े जे हट के भी हुंदे ने, क्योंकि इहो जिहियां घटनावां सेम ही जिहड़ियां ने हिंदूतव दे विचों भी सामने आईयां जिहदे बारे अज खास प्रचार किया गया। जथेदार सर, लेकिन सवाल तो फिर उत्थे आ गया कि बंदी सिंघां दी रिहाई का 2014 तो मोर्चा चल रहा,
2014 तो एक लहर चल रही है। मैं चंगी तरह याद है कि कदे उस वेले ज्ञानी गुरबचन सिंह होरां नूं सद्या गया सी कि तुसीं इस मोर्चे शामिल होवो, राष्ट्रपति नूं मंग पत्र देना। लुधियाणा का अखबार और रोजाना पहरेदार उन्हां दा सी, उन्हां लहर चलाई सी पंथ सांझी, ते उस ज्ञानी गुरबचन सिंह शामिल नहीं सन। जदों दल पहला इहो जिहे पंथक मुद्दियां तों किनारा करदा रहा, अज अचनचेत याद आउंदे ने। अज जगमीत सिंह याद आया, अकाली नवा नवा है ना, बिल्कुल। मैं दसना ना भाई राजूआने की रिहाई का तुहानू याद है, पिछले कुछ दिन पहला ही श्रोमणी कमेटी प्रधान धामी साहब ने कहा कि असी भाई राजूआने की रिहाई लई प्रधानमंत्री को समा लै रहे हैं। वो समा कित्थे है? वो समा कदों क्यों नहीं मिल सकिया? 2019 तो एक मसला लटक रहा, वो मसला यह सी कि जिहड़ा दरबार साहब का नुकसान होया सी, इमारती नुकसान जिहड़ा उस वेले कंपलैक्स का 1,000 करोड़ का मुआवजा केंद्र पासों जिहदे लई 10 करोड़ भी भर दिता, उहदे बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुसीं सरकार नाल निबेड़ दो। 2 साल लंघ गए ने, उहदे बारे भी अजे तक साढ़े कोई वफद बन के असीं गांह नहीं जा सके, असीं अपनी गल नहीं कर सके। असी दूसरों नूं तां दोष दईए जे असी हर पहली पहल कर दित्ती होई है, असी अगे वध रहे हां लेकिन साढ़े राह रुक के जा रहे हैं। सो इल्जाम भी देना ते सद्दा भी देना, लेकिन एक गल जिहड़ी बार बार अज मंच तो कही गई आ कि एक निशान हेठ इकट्ठे हो। तुहानूं याद आ कुछ दिन पहला इत्थे अकाल तख्त साहिब दी इकत्रता होई सी, लेकिन एकता सिद्धांतां ते हुंदी है, एक वलगण दे अंदर रह के। ये नहीं है कि किसी का मूँह इधर है किसी का उधर है, सारे का ध्यान तो सारे का अमल नुकत्या केंद्रित होना चाहिए। ये नहीं कि तुहानू जो वारा खांदा वो मनिया जाए दूसरे मनन की। सवाल यह पूछना बनता कि की पंथक एकता का नाँ सिर्फ बादल अकाली दल में शामिल हो जाना माफ करना, जां श्रोमणी कमेटी जो फैसले लै रही है उहदे नाल सहमति प्रगटा देना ही है। अज तुहानू याद आ रहा कि ध्यान सिंह मंड ते बलजीत सिंह दादूवाल नहीं बोल रहे बेअदबी दे मसले ते, लेकिन तुसी ते साफ कह रहे हो कि ये सारे वो लोग ने जिहड़े कमजोर अकाली दल नू कमजोर करना चाहते ने, ते जे वो अज इंसाफ लई धरने लाउंदे ने ते फिर पहला पुछना यह बनता कि अकाली दल ने 18 दसंबर तो लैके हुण तक किन्ने लगातार धरने लाए। धरनिया की एक लंबी लड़ी है, बरगाड़ी मोर्चा 1 जून तो लैके दसंबर तक 192 दिन का मोर्चा है। दूसरा बहबल कलां का जिहड़ा मोर्चा है वो तुहाडे सामने है, 15 दिन के करीब पहुँच गया। कौन गया, किन्नी क मानता दे रहे हो? जगमीत सिंह बारे तुसी बोले, तुहानू जीआं नू तुसी ये वादा कीता, ये आदेश दिता भी जिथे भी धक्का होवे अकाली दल बोले। लेकिन माफ करना, जिद्दन बाबरी मस्जिद ढाई गई सी अकाली दल ने खामोशी रखी गई सी, जिद्दन कश्मीर दे विच धारा 370 लागू की गई जिहड़ा अकाली दल खुद मुख्तियारी का मदई रहा, आनंदपुर साहब के मते का मदई रहा, उन्हें उस वेले दड़ वटनी पई। क्यों, की मजबूरी सी? अज तुहानू इस मंच तो बार बार आनंदपुर साहब के मते नू दस्या गया, इत्थे हक्कां दी लड़ाई आ, दिल्ली हक खोण वाली आ, आनंदपुर साहब जिहड़े विचारधारा वो हक दवाउण वाली आ, ते अज तुहानू सारा कुछ याद आ रहा, पहलां क्यों? जथेदार साहब आदेश जारी कर सकते सीगे श्रोमणी अकाली दल नू, हालांकि किसी भी मुद्दे दे, कश्मीर के मुद्दे दे वो बोले सीगे, परंतु श्रोमणी अकाली दल जिवें तुसीं दस्सिया कि नहीं बोलिया। हुण सवाल फिर एक बार मैं घुमा के उही पुछूंगी कि श्रोमणी अकाली दल बादल नू भंग करन दा श्री अकाल तख्त साहब तो फरमान होया सीगा, क्योंकि सारिया इहनू फरमान होया सारे दल भंग करन नू, परंतु ये उही दल आ जिहड़ा बचिया रहा सीगा, तां अज उस ही तख्त ते बैठे हुए जथेदार उसकी हमायत करते ने कि जिहड़े पहले जथेदार साहब सीगे उन्हां दा कहना कितें गलत सीगा जां फरमान गलत सीगा, कोई कारण सी? पहली गल तो है कि जदों अकाल तख्त साहब का एक आदेश जारी होया वह अज भी है, लागू आ, जिन्हां लोगों ने
ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਿਜਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੂਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰ ਗਏ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵੰਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਕੌਮ ਜੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਬੀ ਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਣਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਲਓ ਆ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲਾਉਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ 700-800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ 25,000 ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਹੋ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਚੌੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਹੈ ਕੀ
बस दूसरे नू किस तरह मतलब कि ठिब्बी मार के अगां जाना, बस सिद्धांत कोई नहीं, सिद्धांतहीनता का ना सियासत है, जे सच है तो वह सिर्फ धर्म है। सो अज का जिहड़ा इत्थे रोस दे पक्खों जिहड़ा पंथक इकट्ठ सीगा, पंथक रोस इकट्ठ जिहड़ा सीगा, उस इकट्ठ दे विच अज का जो हाल सीगा वह तुहानू बयान किया है सीनियर पत्रकार नरेंद्र पाल सिंह होना ने, और बहुत अहम गल्लां जिहड़ियां वह दसियां कि अज की होया और आने वाले दिनों दे विच इसका की प्रभाव जिहड़ा आने वाले जिहड़े इत्थे पंजाब दे लोक ने उन्हां दे उपर की पैंदा है, सो वो देखना होगा। और तुसी देख रहे हो KTV UK कैमरा परसन गुरदयाल दे नाल परविंदर कौर।